हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होगे, टेस्टी मलाईदार होगे। और सर्कल का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया, और ये भी शायद हो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। और अगर नहीं क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल नया पोर्शन है, गोल, इसलिए टेंशन ना लो। चलो देखो, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और आपसे बोला गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, आपको हर फिगर में ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हर फिगर का सेंटर ओ दिया गया है, और आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला फिगर, यानी कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है, बहुत प्यार से देखना। अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, और नहीं भूले हो तो चलो ठीक है। देखो देखो, ये यहां पे इसका सेंटर है ओ, ठीक, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, ठीक, ये था ए, ये है बी, ये है डी और ये है सी, ठीक। अच्छा, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, ओके। ये दिया हुआ कितना, 35 डिग्री। आपसे मांगा क्या गया है, आपसे मांगा गया ए निकालो, ये वाला निकालो ए, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा, बस दिमाग डालो, दिमाग बहुत जरूरी है। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा चीज हम आपको बताएं तो ध्यान दो, ध्यान ये दो, ए बी सेम कोड है या सेम सिगमेंट है? तो इस सेम कोड से इस सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है, और इस सेम कोड से इस सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। आप समझ रहे हो ना, हम समझाना क्या चाह रहे हैं, हम समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको ये एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल मिल जाए, तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा, ठीक है, यही ना। अच्छा, ये एंगल कैसे मिलेगा, यही निकालना है आपको। चलो अच्छा, ये दोनों इक्वल क्यों हुआ, इसके पहले आप एक थ्योरम करके आए थे, ये वाला साइड में लिख लो। अगर देखो बच्चों, बनाने के समय क्या काम करना कि रफ में हम जो जो बताते जा रहे हैं इसको रफ में नोट करते हुए चले जाना, कौन सा थ्योरम कहाँ अप्लाई हो रहा है ये पता चल जाएगा। देखो, सेम कोड था ये ए और बी, यहां से ये वाला एंगल और यहां से ये वाला एंगल, ये क्या था, ये वाला इक्वल था। थ्योरम बता चुके हैं कि सेम कोड से सर्कमफ्रेंस पे जितना बनेगा, यहां बने, यहां बने, या यहां पे बने, या यहां पे बने, ये सारा का सारा, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दीज ऑल एंगल आर इक्वल, सिंपल सा। अच्छा, आपको ये निकालना था, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल कैसे निकालेंगे, बस ये समझो। अच्छा, ये एंगल इस ट्रायंगल में मिल रहा है ए बी सी में, यही ना, पर ये पूरा है 35, ये है 70, पर ये यहां का छूट गया। अगर हमको ये पूरा एंगल पता चल जाए तो ये एंगल निकल जाएगा, देखो आपको हम बता देते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये देखो, ओ सेंटर है, और आपको पता है जब सेंटर है तो ये बीडी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अगर बीडी डायमीटर हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90। आपको ये भी हम बता चुके हैं कि देखो ये डायमीटर है, तो डायमीटर कितना एंगल बनाएगी, कितना, 90, चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए, मतलब डायमीटर के जस्ट अपोजिट का जो एंगल होगा वो होगा 90। डायमीटर ये, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल ये, यानी कि ये वाला एंगल बन गया पूरा 90। अब ध्यान दो, ये पूरा है एंगल 90, मतलब ये 70 था तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, सिंपल से बात है। यानी कि आप यहाँ पे ऐसे लिखो, बी ए डी इक्वल टू क्या हो गया, 90 हो गया। और ये आपको मिला है, ये पहले से दिया हुआ ए बी डी एंगल, ए बी डी आपको पहले से पता है कितना, 35, यही ना। अच्छा, ये एंगल आपको पता चल जाएगा कैसे, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। मतलब अगर आपको हम बताएं तो ए डी बी ये आपका हो जाएगा 180, में इन दोनों को ऐड करके क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक। यानी कि 180 माइनस 5, 9 3 12, यानी कि ये कितना आएगा, ये आपका आएगा अराउंड 55। अराउंड 55 क्या होता है, 55 ही आएगा। अच्छा, अगर ये 55 है तो ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया 55। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से, बिल्कुल क्लियर हो गए, बस सारा काम किसका है, थ्योरम का है। चलो नेक्स्ट, अगला, आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे मेरा क्वेश्चन चला। चलो बच्चों देखो, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, एक सर्कल है, ठीक, सर्कल में यहां पे है ए बी, ध्यान देना बच्चों, ये है ए और ये है बी, इसका सेंटर यहां दिया हुआ कहीं पे ओ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला, आगे का क्या है, आगे का कहानी कुछ ऐसा है, ये आपका हो गया पॉइंट सी, और यहां पे पॉइंट आपको दिया गया है, ये वाला पॉइंट आपको दिया गया है डी, ये सी और ये डी।
अब अगर हम देखें, ध्यान दो, तो ये सेक्शन आपको बी बोला गया था, ये वाला, ये है बी, अगर दिख रहा होगा तो, और मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। अच्छा, ये वाला, ये कितना है अगर हम आपसे बताएं, बी ये नहीं है मेरे किताब में, मतलब थोड़ा सा चीसा चीसी किया हुआ है, ये वाला है बी। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये दिया गया है 120 डिग्री, क्लियर। अच्छा, ये एंगल कितना था, ये वाला एंगल है 25, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। निकालना है आपको बी, सिंपल सा कंसेप्ट बताएं, देखो सेम सेगमेंट, ये वाला सेम कोड या सेम सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट से ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा इक्वल होगा। अगर हम आपको सिंपल से बताएं तो या तो आप ये वाला एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल, ये निकाल लो। हाँ अच्छा, ये जितना होगा उतना ये होगा। अच्छा, ये एंगल कैसे निकलेगा, आप देखो ये है स्ट्रेट लाइन पूरा, ये 120 डिग्री, तो इधर का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, दोनों का सम 180 होता है, 120, ये कितना हो गया 60, ये वाला आपका हो गया, अगर हम बताएं तो ये एंगल कितना हो गया, ये आपका हो गया कितना 60 डिग्री। ठीक, चल नहीं रहा है, हाँ अब चलेगा, ये 60, ठीक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो, ये 60, ये 25, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। अगर उस पॉइंट को कुछ नाम आप दे दो यहां पे, तो आपको पता है इस तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 628, मतलब 180 में अगर हम क्या करें 85 माइनस कर दें तो यहां पे क्या आएगा, ये आएगा 17 से 8 गया 9, 95, क्लियर। अब ये एंगल अगर 95 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, बी 95 होगा, क्योंकि आपको पता है ये बी था ना, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, सेम कोड से, सर्कमफेरेंस पे जितना एंगल बनता है वो इक्वल होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये सेम कोड है, ये ए, ये बी, यहाँ का ये जितना एंगल, यहाँ का ये भी उतना ही एंगल, सेम कोण से ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, क्लियर। स्टेटमेंट आप डाल दोगे, इतने समझदार हो ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और बच्चों अगर स्टेटमेंट में कहीं गलती भी हो जाए ना एग्जाम में, तो उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए, मतलब एग्जामिनर को चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ आंसर, ठीक है, और कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए उसको, क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन को देखना, गर्दा उड़ाना, एग्जाम्पल जाए ऐसा तैसा कैसे भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ऐसा भी नहीं कि आप जान रहे हो तो छोड़ के चले आना, वो बेकूफी नहीं करना, ठीक है, अगर जान रहे हो तो ठीक है करके आना। आगे देखो, थर्ड नंबर, सो इजी, बहुत आसान है, अच्छा इतना आसान है कि गोला ही नहीं बन रहा है। चलो, ये है ए, ये है बी, सर्कल थोड़ा टफ है बच्चों, बार बार सर्कल बनाना, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत टफ है। अच्छा, ये है सी, यहाँ पे सेंटर है ओ, इसको हम मिलाएं, ऐसे मिला दो तो ये बनेगा ओ, ठीक क्लियर। और ये दिया हुआ सी, आपको यही निकालना है, हाँ ठीक, आओ। अब ये एंगल दिया गया है आपको 50 डिग्री, हम आपसे सिंपल से बताएं, देखो देखो, सेम कोड, सेम कोड, सर्कमफ्रेंस पे जितना बनाएगा, सेंटर पे क्या करेगा उसका डबल, थ्योरम हमने बताया हुआ है, ये सेम कोड है, पहला वीडियो देखो, पहला, ये सेम कोड है, अच्छा ये कोड है ए बी और ये सेंटर है, तो यहाँ का जितना एंगल होगा ना, इसी कोड से कहीं भी बने, चाहे यहाँ पे बने इसी कोड से, चाहे यहाँ पे बने इसी कोड से, चाहे यहाँ पे बने, ठीक है, ये जितना होगा ये वाला उसका क्या होगा आधा, अगर ये एक्स होगा तो ये वाला क्या होगा 2x होगा, सिंपल सा, अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा 100 डिग्री, पहला, क्लियर। ठीक, अब दूसरा हम आपको बता दें, देखो ओ ए और ओ बी रेडियस है, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल, इसके ऑपोजिट वाला एंगल क्या होगा इक्वल, अगर ये सी था तो ये सी था, और आपको पता है इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, मतलब 100 प्लस सी कितना 180, आप सॉल्व कर लेना, तो 180 माइनस कितना 100, यहां से अगर 2c इक्वल टू कितना 80, तो c का वैल्यू कितना 40। आप अगर सोच रहे हो ना, अब तक जैसा देखा कैसा देखा, दो मिनट देखा छोड़ दिया सारा बन जाएगा, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो ना तो गलत फहमी में मत रहो बच्चों, सर्कल का सारा क्वेश्चन का मार्क्स दिलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, पर एक एक मिनट आपको देखना होगा, तब कुछ तो खैर करना ही होगा, ऐसा बात थोड़ा ना है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट, ये तो हो गया इसका तीसरा नंबर, फोर्थ नंबर अगर देखें, बहुत खूब सर्कल बन रहा है, ठीक है, फोर नंबर का क्वेश्चन ये था, अगेन आप ध्यान दो, ये है ए, ये है ओ और ये है बी, तो ऐसे ही समझ गए कि ये पूरा डायमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर के ऊपर ही सेंटर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो,
ये है डी और ये है पी, ठीक, क्लियर। और कुछ दिया हुआ है? ये दिया हुआ 45, ये है 45। अब अगर हम एक छोटा सा चीज बताएं, इस डी का वैल्यू आपको निकालना है कितना होगा, ध्यान दो, तो एक कुछ नहीं करना है। देखो ये कोड पकड़ लो, पी बी ये कोड है, ये कोड यहां पे सरकमफेरेंस पे जितना एंगल बनाएगी ये वाला, और यही कोड यहां पे जितना एंगल बनाएगी, दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर ये डी है तो ये भी क्या होगा, डी होगा। थ्योरम देखो, ये कोड, अच्छा यहां पे जितना एंगल बनेगा ये यहां भी उतना ही एंगल फॉर्म करेगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, यही चीज तो बन रहा था। अच्छा ये ए बी डायमीटर है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा 90, ये आपको पता है, ये पूरा एंगल हो गया 90, ये 45, तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा, यानी कि डी कितना निकल गया, डी निकल गया कितना 45, अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो गया 45। आसान था ना बच्चों, बहुत आसान है। अच्छा 1 से लेके 5 तक का जितना क्वेश्चन बताया ना, इसी में से एक टाइप का क्वेश्चन इस साल एग्जाम में है, 110% एक टाइप का क्वेश्चन। बस उसमें होगा क्या, होगा ये कि जस्ट थोड़ा टेंजेंट और मिला दिया जाएगा। अगर सर्कल आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो टेंजेंट नहीं होगा, याद रखो इस चीज को, सर्कल होना बहुत जरूरी है तभी टेंजेंट को हरा पाओगे। आगे चलो, ठीक, बड़ा चैप्टर है, नेक्स्ट आओ अगला। देखो बच्चों 6 नंबर में क्या बताया गया, 6 नंबर में जो भी बताया गया, 6 नंबर में बोला गया, इन द गिवन फिगर ए बी इज ए कॉमन कोड ऑफ द टू सर्कल, दो सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक, ए बी कॉमन है, ये है ए ये है बी, कॉमन है, ठीक ठीक। यहां से अगर हम मिलाएं, अच्छा ना उल्टा सीधा हो गया, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कंसेप्ट। अच्छा यहाँ से मिला है इसको, ऐसा यहाँ मिल गया, ये था इसका सेंटर O2, और इसको यहाँ से अगर मिला दें तो ये इसका सेंटर यहाँ पे मिलेगा क्या O1, और अगर हम इसको ऐसे मिला दें ऐसे, तो ये आपका हो रहा है D और C। क्वेश्चन में बोला गया है प्रूफ डेट डी बी सी आर इन द स्ट्रेट लाइन, मतलब डी बी सी ये स्ट्रेट लाइन पे होगा, या सिंपल सा हम बता दें तो डी सी स्ट्रेट लाइन होगा। आपको ये प्रूफ करना है डी सी इज स्ट्रेट लाइन, कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है, हम आपको बताएं तो बहुत 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 आसान है। आप बस इतना सोच लो कि ये सर्कल नहीं हो, ये वाला सर्कल नहीं हो, अगर ये सर्कल नहीं हो तो ये वाला पोर्सन नहीं होगा, ध्यान दो ये वाला पोर्सन नहीं होगा, अगर हम आपको समझाएं तो ये वाला पोर्सन नहीं होगा, ये वाला पोर्सन है ना, ठीक। तो होगा क्या बच्चों, क्योंकि ये डायमीटर है, आप देखो सेंटर यहां पे, तो ये डायमीटर है, डायमीटर का ऑपोजिट वाला एंगल कितना होगा 90, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। उसी तरीके से इसमें आ जाओ, ये डायमीटर हो गया तो डायमीटर के ऑपोजिट वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया 90। हाँ आप ऐसे देखो स्टेटमेंट कैसे, ए बी डी इक्वल टू 90, और होगा क्या, होगा ये ए बी सी कितना 90, क्यों 90, सीधा लिख सकते हो थ्योरम से, या एंगल ऑपोजिट टू द डायमीटर इज ऑलवेज 90। अब हमको बताओ बच्चों 90 90 180 180 कब होता है, जब एक लाइन क्या होगी स्ट्रेट लाइन होगी, और ये लीनियर पेयर से 180 बन रहा है। आप देखो हम आपको बताएं, ये भैया स्ट्रेट लाइन है और इस तरह से कोई लाइन जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 तो होगा ना। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 120 डिग्री, और अगर ये 90 है तो ये कितना होगा 90 होगा। तो सीधा आप यहाँ पे दिखा देना, दिखाना क्या कि इन दोनों का सम, यानी कि ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू कितना 180। सो होगा क्या, होगा ये डी सी इज स्ट्रेट लाइन, और डी बी सी लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम फिर बता रहे हैं आपको वैल्यू निकाल के देना, स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो नेक्स्ट देख लो, हटाओ, 6 नंबर हो गया, काफी आसान था ये, बस समझने का चीज है। तो काम क्या होगा बच्चों, पहला आपका काम ये होगा कि क्वेश्चन सारे देख लो, एक एक मिनट का देख लो, हर एक मिनट का देख लो, चाहे बुक आपका कोई भी क्यों ना हो, एमएल अग्रवाल, आरएस अग्रवाल, एमएल खन्ना, या आपका फ्रैंक का हो, चाहे सेलिना का हो, सारे क्वेश्चन आपको हर किताब में मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर अलग होगा वो अलग बात है। और क्या करना है, आप अगर इसी टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हो तो बस सफिशियंट है, इनफ। नेक्स्ट देखो 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है, एक फिगर आपको दिया गया है, मेरा सर्कल ही बहुत अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है, ये फिगर आपको दिया हुआ है, इसमें ये कुछ है इस तरह का, और है क्या ये, तो आपको पता है ये क्वाड्रेटरियल है, और इसमें इसके साथ में ये पैरेलल भी दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है ए, ये है बी,
ये है सी और ये है डी। और आपको पता है अगर एक पेयर पैरलर हो जाए तो वो बनाती है क्या, वो बनाती है ट्रेपिजम बनाती है, मतलब ये ट्रेपिजम हो गया, छोड़ो रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। ये है 105। निकालना क्या क्या है, पहला निकालना है बी सी डी, बी सी डी। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है ए डी सी। तीसरा निकालना है ए बी सी। अच्छा बच्चों देखो, क्वाड्रेट्रियल का चारों पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल पे है, तो कैसा क्वाड्रेट्रियल होगा, ये आपका हो जाएगा साइक्लिक। कैसा होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। यही ना बताया था हमने, क्या बताया था हमने, बताया हुआ है कि अगर क्वाड्रेट्रियल का चारों पॉइंट कहाँ हो, सर्कल पे हो, सर्कल पे हो, तो ये कैसा क्वाड्रेट्रियल होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा साइक्लिक का प्रॉपर्टी क्या था, अगर ये सर्कल है और ये साइक्लिक है, चारों पॉइंट मान लो ये P, ये Q, ये R और ये क्या, ये S, तो साइक्लिक का प्रॉपर्टी क्या था कि अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180। मतलब अगर ये X है और ये Y है तो ये X प्लस Y कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्लियर। पहला मांगा गया था BCD, BCD ये एंगल। अब हमको बताओ बच्चों इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। मतलब अगर हम सीधा बताएं आपको मेरा स्टेप, तो 105 प्लस एंगल BCD इक्वल टू कितना, 180, यही ना, क्लियर हो, ठीक है। यहां से आपको क्या करना है, बी सी डी निकाल लेना है, कितना होगा 180 माइनस 105, सॉल्व करके निकाल लेना, ये एंगल आपको मिल गया। दूसरा ADC, ADC, अच्छा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरलर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, 180 अगेन। क्यों, आपको पता है ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लो, देखिए लो कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरलर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल बनता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनता है या क्रॉसपॉन्डेंस एंगल बनता है, तुम्हारी मर्जी। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। अगला ABC, अगेन ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो बहुत इजीली क्या करोगे, इसको बना लोगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। और हर एक क्वेश्चन के साथ में जो थ्योरम अप्लाई हो रहा है वो थ्योरम दोबारा क्या किया जा रहा है, समझा दिया जा रहा है, क्योंकि आरंभ किया है आपने, अंत भी नहीं, ये याद रखना। अगर शुरुआत तुम्हारी होगी तो अंत भी तुम्हारा ही होगा, मतलब तुम्हारा अंत नहीं होगा, मतलब तुम अंत करोगे, इस चीज को समझना। ये नहीं, मौका किसी और को कभी नहीं देना। चलो आगे, नेक्स्ट, क्या छोड़ के आए हैं, कुछ याद नहीं। देखो बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कितना दम है, क्वेश्चन में देख लेते हैं और कितना हम में। अगेन प्यारा सा सर्कल, ठीक है, देखो ये सेंटर है ओ, सेंटर से यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो ये है बी और ये है ए और यहाँ पे है कहीं पे सी। इसको यहाँ से मिला दें और इसको क्या करें, यहाँ से मिला दें, ठीक। अच्छा दिया क्या क्या है, ये दिया है 140, क्लियर। अच्छा और ये दिया है 50 यहां पे। मांगा क्या क्या गया है, ध्यान देना क्या क्या मांगा गया है। मांगा गया है आपसे ACB, ठीक। दूसरा मांगा गया है OBC, ठीक। तीसरा मांगा गया है OAB और चौथा मांगा गया है CBA। पहला ACB मतलब ये वाला एंगल मांगा गया आपसे, ये वाला एंगल। और ध्यान दो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ क्या है कि अगर ये सर्कल है, सर्कल का ये कोण है, सपोज कोण है तो ये सेंटर है ऐसा जरूरी थोड़ा ना, ये कोण है तो ये सेंटर ही होगा, ये कोण है, ये इसका सेंटर है। और अगर यहाँ का एंगल हम आपको निकालने के लिए बोलें, मतलब अगर ये वाला एंगल आपको निकालने के लिए बोलें, तो ये हम बताए थे कि ये वाला एंगल क्या होता है, 180 में सेंटर का आधा माइनस कर दो। मतलब ये हम आपको बताए थे क्या कि APB ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 1/2 क्या AOB, मतलब सेंटर वाला का आधा करना, 180 में माइनस करना है, ये वाला एंगल निकल जाएगा डायरेक्ट। नहीं तो काम क्या करोगे, नहीं तो काम ये करोगे, क्योंकि ये कोड है, यहां से सरकमफेरेंस पे एक ड्रॉ करोगे इस तरह का,
अगर ये मान लो x है तो ये इसका आधा, अच्छा आधा तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, यही ना बताते हैं। देखो यहाँ से अगर मिलाना चाहो तो मिला लो, एक कोड आपको मिल जाएगा, एक कोड ऐसा मिल जाएगा। अगर इसको यहाँ से आगे बढ़ाना चाहो, अपने से बढ़ाना चाहो तो देखो ये कोड सेंटर पे 140 का, तो ये वाला कितना होगा उसका आधा, यानी कि ये वाला हो गया 70। अगेन देखो ये दोनों साइक्लिक होगा, ये पूरा क्वाड्रेट्रियल बनेगा अगर मान लो इसको P मानते हैं तो P B C A 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, चारों पॉइंट सर्कल पे ये क्वाड्रेट्रियल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, यानी कि ये पूरा निकल जाएगा कितना 110 डिग्री। आप लिख सकते हो सीधा, कोई दिक्कत नहीं, कंस्ट्रक्शन करके आप ऐसे लिख सकते हो कैसे कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना 180, ठीक है। तो ये आपका कितना था 70 डिग्री, प्लस ये कितना होगा ए सी बी कितना होगा 180, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम इसको निकालें ए सी बी, तो ये हो जाएगा कितना 180 माइनस कितना 70, यानी कि ये निकल गया 110 डिग्री। पहला आपका क्लियर, आप इस फॉर्मूला पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेंटर पे कितना बन रहा था, सेंटर पे बन रहा था 140, अच्छा ये 180 तो फॉर्मूला से था, माइनस 1 × 2, सेंटर पे कितना बन रहा था 140, अगर सॉल्व करोगे तो ये भी कितना निकलेगा 110, तुम्हारी मर्जी जो अप्लाई करना है, ठीक है। ये काम हमारा हो गया, मतलब 110 निकल गया, हम इसको मिटा रहे हैं। आगे देखो नेक्स्ट बोला गया ओबीसी, ठीक है, ओबीसी ये पूरा एंगल, अब ध्यान दो ओबीसी ये पूरा एंगल आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, 1 2 3 और 4, ये चार एक क्वाड्रेट्रियल फॉर्म कर रहा था। आप देखो ये वाला एंगल था 140, ये वाला एंगल है 110, ये है 50, तो ये निकालना है ओ बी सी ए, ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, चारों एंगल का सम कितना होता है 500, 400, 300, 350, 360, आपको पता है इन सब का सम कितना होता है 360, यहां से ये नहीं निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अरे हारना क्यों है बच्चों, नहीं समझ में आता दोबारा देखेंगे, नहीं समझ में आता तिबारा देखेंगे, नहीं समझ में आता फिर देखेंगे, बार बार देखेंगे, तब तक ताड़ेंगे जब तक तुम पट नहीं जाओ, मतलब तुम बन नहीं जाओ, सॉरी, ठीक है। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये हो गया, आप यहां से निकाल लोगे ये वाला। अब अगला क्या बोला गया, अगला बोला गया ओ, अच्छा ओबीसी निकल गया, ठीक है, ओ ए बी, अब ये भी निकाल सकते हो आप, बहुत आसान है, दिखाया है, देखो ऐसा अलग कर दिया, ये है ओ, ये था ए और ये क्या था बी, ये एंगल आपको पता है कितना है 140 डिग्री, और ये भी पता है कि ओ बी और ओ ए रेडियस है, ठीक है, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, ठीक, और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, मतलब x plus 140 इक्वल टू कितना 180। कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं ज्यादा, आप केवल फिगर में दिखा दो कि ये x है, ये x है, बस आप केवल इतना लिख दो OB and OA are radius, so इसको x plus x, अब यहां से आप क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना 180 माइनस 140, और यहां से x सॉल्व करके निकाल लो, निकल गया आपको ये मिल गया। इसके बाद क्या है CBA, ये कैसे निकलेगा भाई, CBA कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, क्योंकि ये और ये रेडियस नहीं है, ध्यान दो ये वाला और ये वाला रेडियस नहीं है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा हम आपको बताएं। देखो यहां से आप x निकाले, ये आधा मिल गया ना, इसके पहले आप ये पूरा निकाल चुके हो, देखो OBC ये पूरा आप निकाल चुके हो, और ये आधा पता है, तो ये वाला नहीं पता चल जाएगा, कैसे, इस OBC में ये वाला माइनस कर देना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल लग रहा है, मैं हूं बॉस। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस एक बार डेडिकेटेड होके, बस एक बार, काम क्या है, काम ये होता है ना, देखो बच्चों होता है क्या है कि वो एक होता है कि क्लास में पढ़ना, मतलब हाँ बैठे हो वहां पे राजेंद्र घनश्याम राम राधे श्याम नीलम चमेली जो भी है एक्सवाइजेड, मेरा ही नाम अंकित जो भी है, तो फेस टू फेस कॉन्टेक्ट करना, बस आप ऐसे समझो कि आप क्लास में बैठे हो, मेरे सामने बैठे हो, मतलब आप मेरे सामने हो और हम आपके सामने, बस ऐसे समझो, ऐसे फील लो यार, फील हर चीज में फील लो, जब तक फील नहीं तब तक नहीं, फील लो लेके पढ़ो, कौन रोकता है तुमको 90 नंबर लाने से मैथ में, हम देखते हैं, और फिर धीरे धीरे तो कवर करा ही रहे ना, उधर ऑर्गेनिक चल रहा है, धीरे धीरे फिजिक्स पे भी लौटेंगे, ऑर्गेनिक कंप्लीट करा देंगे, फिजिक्स का पोर्शन खत्म करा के आपका अभी समय क्या हुआ है, बहुत समय है अपने पास, बहुत समय है, 90% स्कोर करना है, बहुत समय है, मैथ साइंस में स्कोर करवा देंगे, टेंशन नहीं, बस लेकिन क्या
डेडिकेटेड। तो देखो बच्चों, फिगर आपके सामने है बोर्ड पे, आपको निकालना है दिया क्या क्या है ये देख लो। मतलब फिगर में कुछ बताया नहीं गया, आपको फिगर में दिया हुआ है ए डी सी दिया हुआ है, सी ए बी दिया, आपको निकालना है सी डी बी। सबसे पहला सी डी बी, ध्यान दो बच्चों, सी डी बी बहुत आसान है, चुटकी में सॉल्व हो गया, चुटकी में चुटकी बजाया और सॉल्व हो गया। कैसे देखो, सेम कोड, इस सेम कोड से सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा यहां पे, और इसी सेम कोड से यहां पर भी एंगल बनेगा, मतलब अगर ये 49 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा 49 डिग्री। सेंटर वेंटर की बात नहीं थी तो डायमीटर की बात करना ही नहीं, आप ये मत बोलना कि सर ये डायमीटर है, क्योंकि कहीं सेंटर दिया हुआ नहीं है इसलिए डायमीटर की बात नहीं हो रही थी। आप ऐसे देखो, इस थ्योरम को अगर देखना चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। देखो जोड़ नहीं रहा है, पर आप समझ लो कि हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि सेम कोण से बन रहा था, मतलब ये 49 हो गया। तो पहला आंसर आपका निकल गया। दूसरा क्या है, दूसरा है ए बी सी, ए बी सी वही काम। देखो यहां पे सेम कोण से, इस सेम कोण से, सेम कोण से ये सर्कमफ्रेंस पे बन रहा था और यहां भी सर्कमफ्रेंस पे बन रहा, मतलब अगर ये 43 तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 43। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद निकालना है ए सी बी, ए सी बी, अच्छा एक दो तीन और चार, चारों कोना कहां पे, सर्कल पे। तो आपको पता है साइक्लिक हो गया, यानी कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ए सी बी, यानी कि अगर हम बताएं तो ए डी बी, यानी कि ए डी बी प्लस ये क्या होगा, एंगल ए सी बी क्या होगा 180। रीजन आप डाल सकते हो क्या, साइक्लिक क्वाड्रेटरियल है, और ये आपको पता है ये पूरा एंगल कितना, तो ये पूरा एंगल है 43 प्लस 49 प्लस आपको निकालना है ए सी बी, ये कितना हो जाएगा 180। यहां से आप ये निकाल लो क्या, ए सी बी ये कितना हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ के इधर ले आना, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, आपका आंसर आपके पास। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों देखो, बोर्ड पे फिगर आपके सामने है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिगर में बताया ये गया है कि बी ए डी, बी ए डी ये एंगल आपको है 75, ए बी, ए बी डी 58 और ए डी सी 77 है। क्या निकालना है, पहला बी डी सी, बी डी और सी, यहां तक कोई दिक्कत, देखो ध्यान दो, बी डी और सी आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, क्या नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा, सोचो बस, दिमाग लगाओ, हम आपको बताएं। देखो ये पूरा एंगल है 77, पूरा एंगल, अगर आप ये वाला एंगल निकाल लो तो ये वाला एंगल तो निकल ही जाएगा ना। अच्छा ये एंगल कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस पूरे एंगल का सम, अगर हम इसको अलग करें तो ये है ए, ये पूरा बी और ये पूरा क्या था डी, ये था कितना 75 डिग्री, ये कितना है 58 डिग्री, और ये एंगल आप निकाल लो, निकल जाएगा। अच्छा ये एंगल जितना होगा, ये वाला क्या होगा, यहां देखो इसको निकाल ही दे रहे हैं, मान लो इसको आपको निकालना है ना, तो कैसे, इस तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अगर यहां निकालना है ए डी बी, एंगल आपको निकालना है ए डी बी, तो ये कितना हो जाएगा 180 में इन दोनों को ऐड करके क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक। अच्छा ये पूरा है 47, ये पूरा है 47, तो ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल है, देखो बच्चों ये पूरा है 77, ये है 47, ये वाला है 47, तो ये कितना होगा 30 तो होगा ना, तो ये पहला वाला जो एंगल आपका निकल गया वो कितना निकल गया 30, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है बी सी डी, बी सी डी हमको बताने की जरूरत नहीं है, देखो चारों पॉइंट कहां पे, सर्कल पे है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, साइक्लिक हो गया ना, ठीक है। बी सी डी आपका निकल गया ये 75, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये निकल गया 105, कैसे साइक्लिक से। अगला निकालना बी सी ए, बी सी ए मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला अगर हम यहां से मिला दें तो आप देखो भाई, सेम कोड ये वाला जो एंगल होगा, सेम कोड ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अभी थोड़ी देर पहले आप इसको निकाल के आए हो, कितना निकला था 45 निकला था, तो वो कितना होगा 45 बोल रहे हैं, वो कितना था 47 निकाला था ना, तो ये वाला एंगल 47, तो ये वाला एंगल कितना होगा 47 ही होगा ना, मतलब ये वाला थ्योरम लग रहा है अगेन। देखो ये वाला
बस आपको घुमा के पकड़ लेना कि कौन सा कोड हम पकड़े और कौन सा आपको वो मिल जाए, इतना ही तो काम है आपके पास में, इससे ज्यादा काम थोड़ा ना है। नेक्स्ट अगेन देखो बच्चों, बोला गया है ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिख नहीं रहा है पर समझने की बात है, फील ले लो, इक्विलेटरल समझ लो। समझ लिया, समझ लो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड इक्वल, देन तीनों एंगल इक्वल, तीनों एंगल का मतलब 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा कि जिसका तीनों साइड क्या हो जाए इक्वल और तीनों एंगल भी क्या हो जाए इक्वल। तो अगर तीनों एंगल इक्वल है तो आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होगा, नहीं पता, 180। तो ये हो गया 3x कितना 180, तो x कितना हो गया 60। सॉल्व कर लेना, इतना तो पता ही है, याद ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए बी सी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत है। सबसे पहले मांगा गया था ए डी बी, देखो ए डी बी, अब यहां समझ गए, अगर ये 60 डिग्री तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री नहीं होगा। सेम कोण से सरकमफ्रेंस पे, सेम कोण से सरकमफ्रेंस पे विल बी इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अगला, तो अगला ये बोला गया है AEB। अब देखो बच्चों, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो गए, यहां पे होगा क्या, अगर इस पॉइंट को हम माने थे A, इस पॉइंट को हम माने थे E और इस पॉइंट को हम क्या माने थे B, और ये वाला हम यहां पे लेके चले जाएं, ये हो जाए C। तो देखो 1, 2, 3 और 4, ये चारों पॉइंट कहां पे है, सर्कल पे, मतलब 1, 2, 3, 4 साइड है, तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया आपका क्या, तो ये पूरा बन गया साइक्लिक, साइक्लिक क्या, साइक्लिक या क्वाड्रेटरियल बन गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा 180, यानी कि अगर ये 60 है तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120, और आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आप समझ रहे हो, इसमें हमको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही, और आप ये भी देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन में वो चीज जरूर अप्लाई कर रहे हैं जो कि हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए मौके का फायदा उठाओ और बनाओ। अगला देखो, देखो बच्चों इस फिगर में बोला गया है एडीसी 130 मतलब 130, एडीसी ये वाला एंगल कितना है 130 डिग्री, ये 130 डिग्री, क्लियर। और ये भी आपको बताया गया है कि ए बी सी डी साइक्लिक है, आप देख सकते हो साइक्लिक है, ये कोना भी सर्कल पे, ये कोना भी सर्कल पे, ये भी सर्कल पे, ये भी सर्कल पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये 130 डिग्री था तो यहां मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है यहां पे, चलो मिटा दिया हमने ताकि फिगर हमारा नीट एंड क्लीन हो जाए। हमको निकालना क्या है, अच्छा ये बताया गया है वो सेंटर है फिगर में, आपको सेंटर भी बताया गया, आपको निकालना BAC, ये आपको क्या करना है, निकालना है ये वाला एंगल, आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, ध्यान दो कैसे हम आपको बताएं। तो देखो ये साइक्लिक है, तो ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है बच्चों, अपोजिट एंगल का सम होता है 180, अगर ये 130 तो ये कितना हो गया डेफिनेटली 50 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा ये सेंटर है, मतलब ये डायमीटर हो गया, अगर ये डायमीटर हो गया तो इसके अपोजिट एंगल यानी कि ये वाला कितना हो गया 90 हो गया, देखो ये 90 50, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, कितना मुश्किल, समझने का देरी है, आपको पहचान में आना चाहिए कौन सा कोण है, कौन सा डायमीटर है, कौन सा रेडियस है, क्या ट्रायंगल है, क्या रेक्टेंगल है, क्या साइक्लिक है, इन सारी चीज़ों का मतलब आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों का मतलब आप प्रीवियस क्लासेस में करके आए हो, 9 में 8 में, क्योंकि 9 का भी एक पोर्शन सर्कल का था, 8 में भी सर्कल के कुछ चीज़ मतलब मेंसुरेशन वगैरह में इन्वॉल्व थे, तो ये सारा का सारा बेसिक क्लास आपका क्या था, कंसेप्ट क्लियर था, इसलिए हमने थ्योरम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमको बेसिक थोड़ा सा बता दीजिए डिटेल में, तो डेफिनेटली थर्ड वीडियो आने के पहले आपका कमेंट मेरे पास पहुंचना चाहिए कि सर हमको बता दीजिए, तो बेसिक का नॉलेज आपको क्या किया जाएगा 15 मिनट की क्लास में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको अगर पता है कि सर्कल का कौन सा हिस्सा मतलब कितना मुलायम है, कितना प्यारा है, कितना टेस्टी है, कितना मलाईदार है, तो उतने ही अच्छे से उसका भैया वैरायटी बनाओगे और खा जाओगे, है ना। चलो आगे, फिगर आपके सामने बोर्ड पे है बच्चों, देखो कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है AOC आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, आपको निकालना है X, यानी कि BDC निकालना है, क्लियर। अब हम आपको बताएं बहुत प्यार से, देखो अगर हम इसको यहाँ से मिलाना शुरू करें, इसको यहाँ से देखो, तो ये जो BD बनेगा, ये BD क्या बनेगा, कोड बनेगा सर्कल पे, भाई सर्कल पे टच कर रही है ना, ये कोड बन गया।
अब इस कोड से ध्यान देना बच्चों, इस कोड से ये बना सरकमफ्रेंस पे, ये कोड से अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे देख लो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे ये कोड था छोटा सा, ये सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, यही ना भाई, ये था बी और ये सी, बी सी, ये था आपका डी, मतलब बी सी ये सरकमफ्रेंस पे बना रहा था और बी सी ये वाला सेंटर पे बना रहा था यहाँ पे ओ, ये वाली लाइन सीधी चली गई थी, ठीक है, तो ये सेंटर पे बना रहा था ये वाला एंगल ओ। तो यहां का अगर एंगल एक्स, ध्यान देना बच्चों हम क्या बता रहे हैं, यहां का एंगल क्या है, एक्स है, ठीक है, आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ये वाला, अगर ये पता चल जाएगा तो ये एंगल तो आपको निकल जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है सेंटर पे जितना बनता है उसका आधा कहां बनता है, सरकमफ्रेंस पे। और देखो इससे ये सेंटर पे ये वाला एंगल क्या आपको नहीं पता चलेगा, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180, स्ट्रेट लाइन है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो ये क्या हो गया, डायमीटर, तो इन दोनों का सम हो गया कितना 180, मतलब ये 110 है तो ये कितना हो गया 70, अगर ये 70 है मतलब ये सेंटर वाला निकल गया 70, तो डेफिनेटली ये वाला क्या होगा इसका आधा, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 70, यानी कि कितना 35। बस क्या फिगर पकड़ने का देर है, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, क्लियर। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही रहने दो, क्योंकि हम बार बार बता रहे सर्कल के हर एक क्वेश्चन को देखना है और हर एक क्वेश्चन के साथ में उसके कंसेप्ट को भी देखना है, इसीलिए वीडियो लंबे बन जाए ज़्यादा बन जाए कोई दिक्कत नहीं, पर सर्कल और टेंजेंट से 448 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए, आई प्रॉमिस। आप देखना 8 नंबर आप खुद बोलोगी सर इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, पहले चैप्टर कंप्लीट तो कर लें, और ऐसे भी आपको पता है 1 जुलाई से आपका क्या होगा, प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन क्लास चालू हो जाएगा, इसलिए जरूर बने रहो और जो जरूरतमंद है उन तक भी पहुंचा दो, ताकि वो भी क्या हो आसानी से पास हो जाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे, राधे राधे, जय श्री राम।